और तैयार हो जाओ भाई लोग, क्योंकि यार स्नाइपिंग ना सस्ती ही होगी, मतलब मजा टैप आ जाएगा, तुक्के दबा के लगेंगे और एक साथ तीन तीन तुक्के लगातार लगेंगे तो यार। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें इतनी ज्यादा स्नाइपिंग है, दबा दबा के स्नाइपिंग है कि यार आपको मजा टैप आ जाएगा बिल्कुल ही, है ना। और उतरते ही मुझे खार 98 मिलती है, अभी ये शॉर्ट गन है, आगे जाके खार 98 मिलती है। और यार कार 98 से ही तुम्हारा भाई यहीं पे चालू हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि भैया सकोप लूट लूट, नहीं यार, खार 98 लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और कार 98 की सिर्फ लोहा साइड से बंदों की पेटी बनाना चालू करूंगा मैं, और बाद में AWM भी मिलेगी मुझे। देखो यार, और लोहा साइड से नॉक करके तुम्हारे भाई ने उस बंदे की पेटी भी बना दी। लेकिन यार एक बार तुक्का लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुक्का लगेगा मेरा। तो देखो यार, एक बार लग गया, एक बंदे की पेटी बन गई कार 98 से, लेकिन अगर यही मजाक मैं बाकियों के साथ करूंगा ना, तो क्या पता वो मेरी पेटी बना दे, क्योंकि देखो गलती से शॉट हेडशॉट हर बार नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसी गने उठाता हूँ जो मेरे काम आ सके क्लोज रेंज में। तो देखो M4 और AKM उठा चुका है तुम्हारा भाई, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, गोली ये लोग दबा के चला रहे थे और मुझे काफी डैमेज भी होता है इधर। तो देखो बंदे आगे की साइड बैठे पड़े हैं, ठीक है, बहुत कम बंदे आए होते हैं यहाँ पे, गिने चुने बंदे आए होते हैं, लेकिन क्या ही करें यार, आजकल आता नहीं कोई हॉट ड्रॉप पे, तो कोई नहीं यार, इन गिने चुने बंदों से ही काम चलाना पड़ेगा, अपने को जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा। और इन भाई को मैं पीछे भगते हुए पकड़ लेता हूं, है ना। यहाँ पे देखो चार बंदे आए होते हैं, वो भी चार अलग कोनों में उतरे होते हैं, ठीक है। एक यहाँ आया था, एक कंटेनरों में भग रहा था जिसकी पेटी बना दी, कोई मुझे स्प्रे दे रहा था पता नहीं कौन सी गन से, वो भी गायब हो चुका है। खैर जो भी हो, इस बंदे की हम पेटी बनाते हैं और इसका टीममेट आगे वाले बेराउस में बैठा पड़ा होता है, है ना। तो मैं उठाता हूँ अपनी ये सस्ती M4 और मुंह उठा के चल देता हूँ बेराउस के सामने। अब देखो पहले फुटी स्टेप नहीं आते, लेकिन उसके बाद पता चलता है बंदा साइड में ही TPP ले रहा है, तो मैं भी TPP लेने लग जाता हूं। और यहां पे मैं जानबूझ के, ठीक है, पूरा जानबूझ के बाहर रुका होता हूं, मैं बोलता हूं भैया इसे करने दो UMP खाली, मतलब ऐसे UMP इतनी सस्ती गन है, गोली भी कम लगती है उसमें, चलाने दो भाई को। तो ये बंदा पूरी UMP खाली करता है मेरे टीममेट पे, उसके बाद भाई दबाते हैं रिलोड का बटन। मैं आ जाता हूँ बिल्कुल बगल में, मैं थोड़ी देर देखता हूँ, अच्छा रिलोड चल रहा है, फिर मैं देखता हूँ भैया रिलोड पूरा हो गया, पेलो इसे। और उसके बाद भाई ड्रॉप शॉट देने की कोशिश में थे, फुल तैयारी में, है ना। भाई ने दबा ही दिया था लेटने वाला बटन, लेकिन यार AKM खतरनाक गन है, भाई को हवा में ही नॉक कर दिया और उस बंदे की भी पेटी बना दी, ठीक है। अब देखो दिन कैसे आ गए हैं, तीन बंदे प्लस एक बॉट पेल के मैं जोर से निकला हूं, ठीक है, और प्लेन पाथ भी वहीं था बिल्कुल जोर्ज के आसपास सही जा रहा था जहां तक मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी चार ही बंदे आते हैं यार, बुरी हालत हुई पड़ी है। खैर जो भी हो, यहां पे मैं आता हूं रोजॉक की पहाड़ी पे, और यहां पे एक्सियन ही एक्सियन होगा। तो यहां पे मैं बिना फालतू जबरदस्ती पीक पाक करता हूं, और उतने में ये होता है, और ये बंदा न जाने कहां से आ जाता है, ठीक है। जब मैं गाड़ी से आया, मैंने देखा यार राइट पे तो कोई नहीं है, रोजॉक में ही होंगे बंदे, लेकिन ये भाई पता नहीं कहां से अचानक से पीछे से आते हैं और मेरे टीममेट को नॉक कर देते हैं। खैर उसके बाद मैं बोलता हूं ठीक है यार, एक बंदा आ गया होगा कहीं से भूला भटका, वापिस वहां पे जाते हैं जहां पे हम पहले गलत सीन कर रहे थे। तो मैं दोबारा यहां आता हूं, लेट जाता हूं, और उसके बाद ये होता है। और उस बंदे की पेटी बनाने के बाद एक और
एक और बंदा पीछे से आता है, ठीक है, उसकी भी बेटी बनाता हूँ मैं, फिर एक नेड आता है। अब देखो यहाँ पे मैं समझ जाता हूँ भैया, एक सुकौड़ बैठी पड़ी थी स्कूल में मेरे ख्याल से, या तो फिर ये उड़न तस्तरी से आए हैं, वो अमेजिंग पार्क में जो होता है उड़ने वाली मशीन यार, वहाँ से आए होंगे। खैर जो भी हो, अब मैं बस एक ही चीज कर रहा हूँ, वो है नेड वाले बंदे को ढूंढना। और इसके बाद आखिरकार पीछे से बंदे आना बंद करते हैं, है ना, तीन तीन बंदे आए पीछे से। और वहां रोजॉक में बंदे कैंप लगा के बैठे पड़े हैं, है ना, मतलब बोरिया बिस्तर बांध दिया है, छोटा सा घर है, ठीक है, मतलब वो घर भी बोलना यार शर्म आती है मुझे, हर बार मैं घर बोलता हूँ पता नहीं क्यों, ठीक है, वो जो नीले पेंट वाला खंडर है वहां पे बैठे पड़े हैं। और यार बैठ के भाई लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, भाई बोलते भैया गोली मत चलाओ, तुम निकलो यहाँ से, हम दरवाजा बंद कर रहे हैं। लेकिन यार तुम्हारा भाई है ही ढीठ, तो बिल्कुल यहाँ पे लाके बेशर्मी से गाड़ी ठोकी और उसके बाद लड़ाई चल रही है कि यार घर के अंदर कौन पहले घुसेगा। खैर मैं घुस जाता हूं क्योंकि यार जैसा मैंने बोला ढीठ हूं मैं बहुत, और उसके बाद मैं छत की तरफ जाता हूं इन बंदों की खोज में। एक तो शर्ट के पीछे है सर। और ये चीज मैं देख रहा हूं कि यार इस सकौड़ को दरवाजा मुंह पे बंद करने का शौक है। एक शर्ट के पीछे है, जहां मैंने स्मोक किया। अब देखो मुझे तीन बंदों का पता चला है, एक जो सैक के बगल में जिसको मैंने देखा नहीं है, एक ये बंदा जो मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा है, और एक वो बंदा जो वो जो नीले खंडर में बैठा पड़ा है, और आगे से एक बंदा छत से पीक कर रहा होता है मेरे पे, तो मैं भी पीक करता हूं। और आखिरकार इनका दरवाजा बंद करना खोलना बंद होता है और मैं दो बंदों को नॉक करता हूं। अब देखो ये दो बंदों को नॉक किया, तीसरा बंदा बचा है इस छोटे घर पे, ये वही बंदा है जो मुंह पे दरवाजा मार के भगा था, है ना, और मैंने दरवाजा तोड़ दिया जिससे कद्दू कुछ नहीं उखड़ा। लेकिन हाँ भाई ऊपर बैठे पड़े हैं और मैं तैयार हो गया हूं इन भाई की पेटी बनाने के लिए। और आखिरकार फाइनली ये दरवाजा बंद करो सुकौड़ की मैं पेटी बना देता हूं, है ना, तीन बंदे होते मेरे ख्याल से, यहाँ तीनों की पेटी बन जाती है। खैर इससे ज्यादा खतरनाक वो बंदे थे जो पीछे से न जाने कहां से आ रहे थे भाई, ठीक है, एक बंदे को पेल रहा हूं मैं, बोलता हूं ठीक है यार इसे पेल दिया, अब रोजॉक में ध्यान दूंगा थोड़ा। पीछे से एक और बंदा आता है, उसको पेलता हूं, एक और बंदा आता है भाई, वो तो खतरनाक ही होता है, तीसरा वाला बंदा नेट पे लग करने लग जाता है। खैर जो भी हो, उस बंदे के भी नेट सस्ते होते हैं बिल्कुल मेरी तरह। और यहां पे देखो पीला जोन बन रखा है, हाँ ये मैंने कलर के साथ छेड़छाड़ करी, तो हाँ लाल जोन बन रखा है, और लाल जोन में गलत सीन हो रहे होते हैं। ओ भाई ले, ये रेड पर तो लेगा सर। और हम लेफ्ट में किल फीड जो होती है, जहां पे लिखा आता है कि यार किसने किसकी पेटी बनाई, वहां पे हमें दिखता है कि यार टोटल तीन बंदे लाल जोन से नॉक हुए होते हैं। अब देखो यार हम जैसे ढीठ बंदे लाल जोन से नॉक हुए बंदों की किल चुराने निकल पड़ते हैं, तो यहां पे मैं लाल जोन का जितना भी एरिया पे लाल जोन गिर रहा होता है वो याद कर लेता हूं। हाँ ठीक है बेशक याद नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके बाद मैं निकल पड़ता हूं। और यहां से जाते हुए एक गाड़ी भी दिखती है, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं और सबकी पेटी बना दूं या अपनी पेटी बनवा लूं, हम धड़ पड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सबैट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल कद्दू बॉल सब पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो आपके फर्स्ट डिपॉजिट में, जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। तो हाँ यार इस ऐप में कई सारे मिनी गेम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो खेल के भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको इस ऐप का शौक है तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, इसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल ही टॉप में। बस याद रखना यार इस पे रिसक रुसक होता है, तो भैया जो भी करोगे आराम से करना बिल्कुल, है ना, हलवे में मत करना। खैर उसी के साथ मैं यहां पे आ गया हूं।
पेट्रोल भर रहा हूँ। अब देखो ये लाल जोन से नॉक हुए हुए बंदे है कि नहीं मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे गाड़ी आई, रिवाइव वगैरह दे रहा था शायद बंदा, तो एक की तो पेटी बना दी, अब मैं दूसरे का पीछा कर रहा होता हूँ और उतने में ही एक पूरी स्क्वाड मिल जाती है मुझे, तीन बंदे शायद। अबे हमें और यहाँ पे ये लोग अमेजिंग पार्क में पूरी लूट करके बैठे पड़े होते हैं, है ना। अब लाल जोन से कौन नॉक हुआ हमें कद्दू नहीं पता, लेकिन इतना पता यार सामने तीन बंदे बैठे हैं, तो इनकी पेटी बनाओ। और हमारे ये पीले कपड़ों वाले भाई फुल जोश में होते हैं, ठीक है। ये बंदा सोच के आता है कि यार आज मैं ही पेटी बनाऊंगा, बैकअप के नाम पे मुझे कद्दू नहीं चाहिए यार, मैं ओपन से भगूंगा और सबकी पेटी बना दूंगा आज, यहाँ अमेजिंग पार्क में पेटियां बिछाऊंगा मैं। लेकिन भाई भगते हुए आते हैं, मैं ढीठ की तरह ठीपी भी ले रहा होता हूँ और भाई को नॉक कर देता हूँ। और इतने में ही उस भाई का दूसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। अब देखो लेफ्ट में समोक बन चुका है, किसने बनाया मुझे कद्दू भी नहीं पता। मैं बोलता हूं ठीक है यार अपना ही फायदा है, समोक के अंदर से रस कर दो इन पे। अब यहां पे मानो या ना मानो लाल जोन ने मेरा फायदा करा दिया, ठीक है। भले ही मैं उनको नहीं पेल पाया जो लाल जोन से नॉक हुए थे, लेकिन यार लाल जोन की वजह से मैं इस साइड पे आया, नहीं तो यार मैं जाता यहां से पोचंकी जाता कहीं और पे जाता, बंदे मुझे कद्दू नहीं मिलते, किल नहीं बढ़ती। लेकिन मैंने बोला ठीक है यार लाल जोन में नॉक हुए, लाल जोन में चलते हैं, और ये बंदे मिल गए। अब ये वही थे या नहीं किसी को नहीं पता, और पता करना भी नहीं है क्योंकि यार अब मैं बाकी बंदों को ठिलाने जा रहा हूं। हाँ एक और अमेजिंग पार्क के बगल में बंदे स्नाइपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे AWM होती है बंदों पे, तो हाँ तुम्हारा भाई AWM हथियार लेगा और धड़ पैड़ बंदे नॉक करेगा। और यार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लालच क्या चीज होती है, ठीक है। लालच तो चलता है यार, AWM की लालच क्या चीज होती है देखो यार। और ऐसे ही मेरे से यार स्नाइपिंग सस्ती होती है, उसके ऊपर से बंदों पे लेवल 3 के हेलमेट होते हैं, ठीक है। पबजी में मेरे को जो पेटी बनाना चाहता है मेरी सब पे लेवल 3 का हेलमेट होगा, बॉटो तक पे लेवल 3 का हेलमेट होता है, लेकिन तुम्हारे भाई का सर देखो अभी तक लेवल 2 का हेलमेट लेके घूम रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिला मुझे और क्यों मेरी दुश्मनी है लेवल 3 के हेलमेट से। और यार यहाँ पे मैं अकेला नहीं होता जिसपे खर 98 होती है। नेट तो हम भी करते थे ना इस बात से। अबे मैंने हेड मारा था उस, मैंने हेड मारा था। अब यहाँ पे हमारे भाई बिल्कुल चटक चालाक बन के पीक देते हैं और हेड भी मारते हैं, ठीक है। अब ये सच है झूठ है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ भाई हेड मारते हैं, बंदा कद्दू भी नहीं ढीला, हमारे भाई नॉक हो चुके हैं। और इतने में ही ये लोग आगे से रस करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता यार मैं ढीठ हूं, मैं यहीं पे बैठा हूं। अब यहाँ पे आपको घर पे कई बार बताया गया होगा कि बेटा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। वो अलग बात है हम लोग ढीठ हैं लालची हम फिर भी रहेंगे, लेकिन हाँ आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्यों लालच बुरी बला है। और उसके ऊपर से चांदी में नहीं, या अपना डायलॉग क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, तांबे पे सुहागा करने के लिए समोक में एडजस्ट भी करेगा तुम्हारा भाई, स्नाइपर से नहीं करेगा लेकिन हाँ एडजस्ट जरूर होगा। तो देखो वहां पे समोक बनता है, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है यार क्यों क्यों कोई समोक बनाएगा अगर उसे लालच नहीं है तो। और मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यार मेरा 1.5 IQ दिमाग यहाँ पे काम कर जाता है। अब देखो कोई बंदा क्यों समोक बनाएगा, वहां पे वो आराम से घर पे जा सकता था, तो भाई समोक बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो उस बंदे की पेटी लूट सके। मतलब यार ये देख के मुझे ऐसा लगा कि वो देख ही रहा था बंदा कि कब ये मेरा टीममेट पेटी बनेगी इसकी और मैं कब इसकी AWM हथिया लूंगा, है ना। मतलब यार बिल्कुल चाहत थी भाई की कि यार ये ठिले और मैं AWM लूँ, और इसी के चक्कर में भैया लालच करते भाई ओपन में आके लूटते हैं और यार समोक में एडजस्ट हो जाता है ना। लाइक जरूर पेल देना यार इस समोक में एडजस्ट के लिए, बनता है यार बिल्कुल बनता है, पेल के रख दो लाइक के बटन को। और आगे AWM से स्नाइपिंग भी देखने को मिलेगी। खैर अब मैं समोक में एडजस्ट की ज्यादा बात नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि यार कल को कोई उठा के वीडियो बना देगा, है ना, कि यार समोक में एडजस्ट भैया ये तो
हैक करके खेल रहा है, इसलिए उसकी बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे वाले घर पे बंदा बैठा होता है, ठीक है, मुझे दो बंदे दिखते हैं, मुझे लगता है ठीक है यार बढ़िया है, दो बंदे बैठे हैं, आराम से स्नाइपिंग करूंगा और फिर रस करूंगा। लेकिन यार यहाँ पे मामला कुछ और ही चल रहा होता है। वहाँ असली में हूँ। और अब मुझे पता चलता है कि यार पहले ही रस कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे 200 कॉर्ड के बंदे आपस में लड़ रहे होते, पेटी पुटी बन चुकी है ना। तभी मैं सोचूं यार कूदा फांदी कोई कोई क्यों कर रहा है, नहीं तो बंदे कैंप ही करके बैठते हैं। तो एक बंदा ठिल चुका होता है, यहाँ पे देखो यार मैं हेडशॉट चिपकाने ही वाला था उसके, लेकिन जैसे मैं उस फायर के बटन पे पेलता हूँ ना, अपना अंगूठा उंगली पेलता हूँ यार, बंदा हट जाता है। तो मैं बोलता हूँ ऐसी तैसी जितने भी बंदे बचे हैं जल्दी घुसो और इसकी पेटी बनाओ, इससे पहले यार ये किसी और से लड़ने लगे। तो यहां पे मैं गाड़ी ठोकता हूं बेशर्मों की तरह। होती है क्या? और यहां पे न जाने कितनी सारी गोली चलाने के बाद आखिरकार फाइनली ये बंदा ठिलता है, और जहां तक मुझे लग रहा है ये वही बंदा है जो लाल जून से नॉक हुआ था, है ना। अब मैं कंफर्म करने के लिए देख सकता हूँ, है ना, वीडियो रिवाइंड करके कौन नॉक हुआ था, किसकी पेटी बनी थी, कौन गाड़ी से भागा था। लेकिन यार तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तुम्हारा भाई आलसी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या ये वही बंदा है, उन तीन बंदों में से एक है जो लाल जून से ठिला था, कमेंट जरूर करना। खैर इसके बाद एक ही बंदा होता है इस घर पे, इसकी पेटी बनाता हूँ मैं, और जून मिल्टा में बना होता है। और यहाँ पे यार बंदे बहुत ही चालाक होते हैं, ठीक है, बंदे ना ऐसा दिखा रहे होते हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम अलग स्क्वाड के बंदे हैं, लेकिन वो एक ही स्क्वाड के होते हैं। खैर आगे गोली गोली चलनी होती है, मुझे लगता है ठीक है यार दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में जल्दी चलो, लेकिन यार वो लोग आपस में नहीं लड़ रहे होते, वो बेवकूफ बनाना चाह रहे होते हैं। खैर तुम्हारा भाई है ही बेवकूफ, तो निकल जाता हूं ये बोल के कि यार पेटी बन जाएगी, जल्दी पहुंचो वहां पे। और जाते जाते मुझे एक गाड़ी आते हुए दिखती है, तो करना क्या था यार, ओपन में रोक देता हूं मैं भी गाड़ी को अपनी। गाड़ी अब इस हेडशॉट को छोड़ो यार, इस गाड़ी वाले बंदे को इतना डैमेज दिया कि क्या ही बताऊं, मतलब कान के बगल से भी जाएगी ना गोली यार, बंदे की पेटी बन जाएगी। ग्रेनेड का यार, ग्रेनेड का यार। और आखिरकार मैं इस बंदे को पेल पाया, है ना, मतलब भाई ने नेड भी कर दिया था, हमारे भाई चिल्ला रहे थे अंग्रेजी में प्री नेड, है ना, प्री फायर तो यार याद हो गया था, प्री नेड भी है कोई चीज। खैर जो भी हो, इस बंदे की पेटी बनाई। अब वो जो आगे घरों पे बैठे हैं ना भाई, वो मतलब मेरा बेकू बना के ही मानेंगे, वो रुक नहीं रहे बिल्कुल भी, बार बार गोली चलाए जा रहे ताकि मुझे ऐसा लगे फाइट हो रही है, जल्दी रस करो। लेकिन यार वो पूरी स्क्वाड होती है और मेरे साथ साथ मेरे बाकी दो टीममेट का भी बेकू बन जाता है। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं फिर से ये बोलता हूँ कि यार जल्दी चलो, पेटियाँ बन जाएगी यार, किल नहीं हुई है, क्या होगा इतनी किल से, जल्दी चलो। तो गाड़ी निकालते हम, वो लोग गोली चला रहे होते हैं, और तैयार हो जाओ भाई लोग, क्योंकि यार स्नाइपिंग ना सस्ती ही होगी, मतलब मजा टाइप आ जाएगा, तुक्के दबा के लगेंगे, और एक साथ तीन तीन तुक्के लगातार लगेंगे, तो यार मजे लो इन तुक्कों का, देखो यार। Enemies ahead. दो नॉक है ना। और यहां पे तुम्हारा भाई एक साथ लगातार तीन बंदों के तीन हेडशॉट चिपका देता है। तो करना क्या था यार, पूरी स्क्वाड बैठी होती है, हमारा बेकू बना रहे होते हैं, लेकिन यार एक टैप से इनका बेकू बन जाता है, और नेट भी तगड़े होते हैं इस बार तो।
और इस गेम प्ले में मेरे ख्याल से मिला जुला के सब कुछ था। ठीक है, तुम्हारे भाई ने स्मोक में एडजस्ट कर दिया, स्मोक में बंदा सांप बन रखा था, तो हाँ सांप का चक्कर मौत से टक्कर भी हो गया। उसके बाद स्नाइपिंग पूछो मत यार, क्या ही किस्मत चली इस मैच में मेरी। मेरी सस्ती स्नाइपिंग सस्ती ही रही, लेकिन यार हेडशॉट ज़्यादा लग गए थोड़े। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। यार लाइक मिलना भूलना मत, मतलब यार तुम्हारे भाई के साथ ऐसा बहुत ही कम होता है। मतलब तीन गोली चलाई, तीन हेडशॉट, तीन बंदे नॉक, और उसके बाद नेट भी फटा। यार लाइक जरूर पेल देना इसके लिए, बिल्कुल ठोक के नीला टैप कर दो लाइक के बटन को। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा गेम प्ले सस्ती कमेंट्री के साथ, गलत सीन के साथ तुम्हारा भाई लाता रहता है। तो हाँ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। और यार अपने महंगे स्नाइपर दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्या पता उन्हें भी मजा आ जाए देख के। और हाँ भाई लोग यार हाथ धोना मत भूलना है ना, मतलब यार बिल्कुल रगड़ के पेल के दो हाथ को साबुन लगा लगा के। और जितना हो सके घर पे रहो, क्योंकि यार बाहर जाओगे तो गलत सीन हो सकते हैं। तो हाँ यार घर पे रहो। कल मिलते हैं भाई लोग यार, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।